हाल ही इंडियन गवर्नमेंट ने जो आपके रिम साइज पेपर हैं A3 A4 पे गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, उस एंटी डंपिंग ड्यूटी का पेपर ट्रेडिंग बिजनेस पे क्या मेरिट्स रहेंगे और क्या इसके डिमेरिट्स आप देख रहे हैं? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एंटी डंपिंग ड्यूटी कैसे लगी है। इन्होंने $855 को एक फिक्स प्राइस करके ड्यूटी कर दी कि इससे नीचे ऊंचे में माल जो भी आएगा उस पर डिफरेंस ले लिया जाएगा। इसका असर हमारी जो बाहर की इंपोर्ट है उसके ऊपर तो पड़ेगा ही, क्योंकि जो इंपोर्ट पहले था उससे थोड़ा सस्ते में आता था, लेकिन उसके साथ साथ मिलों ने अपने रेट बढ़ा दिए और वो एकदम लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया कि दोनों के रेट ऊंचे हो गए। जहाँ तक हमारा अनुभव कहता है कि 10-15% के रेट कॉपियर पेपर के अंदर बढ़ चुके हैं, जो कि ठीक नहीं है। जो कि अगर इतना रेट बढ़ाना था तो मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं है, रेट ज़्यादा बढ़ाए। और इसके अलावा आप क्या इसकी वो देखते हैं ट्रेडिंग बिजनेस पे ये प्राइस बढ़ गए हैं? हाँ, ये तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज को चली गई हैं। हाँ, पेपर ट्रेडर्स के लिए इसमें क्या रहेगा? इसमें नहीं, वॉल्यूम जो है वो, क्योंकि एक नेसेसिटी है, कॉपियर पेपर आज के दिन एक नेसेसिटी है और नेसेसिटी होने से उसको ख़रीदना तो पड़ेगा ही। अब ख़रीदने में वो है कि लागत कैसे कम हो, वो मुश्किल है। लागत कम नहीं होगी, लागत बढ़ेगी, ऊंचे रेट में बिकेगा, जो रेट होगा उसके हिसाब से बिकेगा। लेकिन मिल्स को जो है रेट अपना ठीक रखना चाहिए, क्योंकि अगर बाहर से माल आएगा तो वो $855 से कम में नहीं ला सकता। फ्यूचर में क्या उम्मीद करते हैं कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जो इसका बेंचमार्क प्राइस है वो बढ़ सकता है? कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़ने और घटने की बात तो कंप्लाइंस के ऊपर है, हमारी अवेलेबिलिटी पूरी होनी चाहिए। एक पेपर ट्रेडर्स की आज की समस्या है, एक बैड डेब्ट की बहुत बड़ी समस्या है, और नेक्स्ट जनरेशन जो है इस पेपर बिजनेस में आने में इंटरेस्टेड नहीं है। गवर्नमेंट को इस पोजीशन को कैसे देखना चाहिए और पेपर ट्रेडर एसोसिएशन इस चीज़ को कैसे देखती है और क्या सॉल्यूशन इसको बेस्ट लगता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये बैड डेट का। बैड डेट के बारे में हम बहुत सक्रिय रूप से इसके बारे में आगे बढ़ रहे हैं। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्टसी एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है कि संडी डेटर्स को जो है वो एक फंक्शनल क्रेडिटर्स के रूप में वो मान रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि हमारा नंबर एम्प्लॉइज़ और जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है। गवर्नमेंट ड्यूज़ भी चौथे नंबर पर है, लेकिन तीसरे नंबर पर आने तक वो जो रुपया होता है वो तकरीबन ख़त्म हो चुका होता है कि एम्प्लॉय की सैलरी में चला गया और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में चला गया, तो हमारे पास रुपया नहीं मिलता। तो हमने सरकार से डिमांड की है कि हमारे को परसेंटेज वाइज कुछ ना कुछ रिजर्व किया जाए कि जब आप, और CCI जो क्रेडिटर्स की जो एक कमेटी है उसके अंदर हमारा रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, और 20% कम से कम जो है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए रखना चाहिए। ये हमारा एक सुझाव है उनको। और फिर हमने SME के बारे में भी ये कहा है कि SME के अंदर जो आप एक सुविधा देते हैं कि भाई इसका रुपया जो है इतने महीने के अंदर आना चाहिए, तो एक ट्रेडर को SME क्यों नहीं समझा जाए? सबसे बड़ी बात है कि ट्रेडर जो है SME से निकाल दिया गया, ये अभी के नोटिफिकेशन के जरिए निकाला गया, जो कि एक गलत बात है। जो हमारा ट्रेडर है वो भी एक SME की तरह काम करता है, और उसमें क्या है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जैसे कोई 5 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख, कोई 75 लाख, कोई 3 करोड़, तो इन्होंने क्या किया कि 250 करोड़ रुपये तक 25% इनकम टैक्स लगेगा, छूट नहीं है, इनकम टैक्स लगेगा। तो अगर 250 करोड़ तक कंपनी में और SME को 25% टैक्स लगेगा, तो ट्रेडर को 30% क्यों लगेगा? प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और LLPs, इनको 30% क्यों? उनको SME का दर्जा नहीं दिया गया है। तो हमारी डिमांड ये है कि 250 करोड़ जिसकी भी सेल है, जिसकी भी टर्नओवर है, उसको आप 250 करोड़ तक 25% टैक्स दीजिए। अभी के सिनेरियो में
जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पेपर इंडस्ट्री को किस तरह से देखती है? पेपर इंडस्ट्री को अच्छी तरह देखती है। सुरेश प्रभु जी ने काफ़ी अच्छी डिटेल में अभी इपमा की मीटिंग में कहा कि हमें इसको आगे ले जाना है और इसके लिए हम सोशल फॉरेस्ट्री को देख रहे हैं और हमारी जो इंडस्ट्री जो है वो भी इस बारे में जागरूक है और बहुत अच्छा काम कर रही है। सोशल फॉरेस्ट्री में बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे सेंचुरी पल्प एंड पेपर है, ITC है, JK है, इन लोगों ने बहुत अच्छा एक नमूना पेश किया है और उन्होंने अपने को सेल्फ सफिशिएंट बनाने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से लोग बाहर से पल्प बहुत कम मंगाते हैं जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज बहुत बचती है। तो अगर हम सोशल फॉरेस्ट्री को और प्रोत्साहन देंगे और हमारे किसानों को भी इनकम होगी तो ये एक अच्छी बात है। एशिया पल्मेंट पेपर इंडिया में अपना एक प्लांट सेटअप कर रहे हैं और 50 लाख टन कैपेसिटी पेपर प्रोडक्शन के साथ। इस बिग प्रोडक्शन का आने वाले टाइम में पेपर ट्रेडिंग बिजनेस पे आप क्या असर देखते हैं? हमारा तो ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। पेपर आज भी APP का जो है बहुत अच्छा माल बिकता है, वो यहाँ पर लोकली अवेलेबल होगा और हम तो स्वागत करते हैं कि 50 लाख टन क्या और भी कैपेसिटी आएंगी और इसका ये बिल्कुल भी अर्थ नहीं निकाला जाए कि ये कंपटीशन करेंगे। ये कंपटीशन क्यों करेंगे, किस लिए करेंगे? इनके पास पल्प जो है वो बाहर से अभी आएगा लेकिन सोशल फॉरेस्ट्री के अंदर वो एक्सपर्ट है और उनकी एक्सपर्टाइज हमारे को और आगे बढ़ाएगी। आज इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये है कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो पेपर की प्रोडक्शन है एज पर स्टेटिस्टिक्स 170 लाख टन की प्रोडक्शन इपमा के द्वारा लिखी गई है, जबकि कैपेसिटी यहाँ पर 200 लाख टन से ज़्यादा का प्रोड्यूस है जो कि पूरी तरह से स्टेटिस्टिक्स हमारे यहाँ पर नहीं है। और अगर बाहर का देखा जाए तो 1100 लाख टन चाइना की कैपेसिटी है। आज वहाँ पर कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है और वो लोग सर्वाइव करते हैं तो हम क्यों नहीं अपने पेपर ट्रेड को, पेपर इंडस्ट्री को अच्छी तरह सर्वाइव कर सकते हैं और इससे पेपर ट्रेड का भी ग्रोथ होगा। पेपर ट्रेड तो इन्हीं के ऊपर चलता है, मार्केट के जैसी डिमांड होगी वैसे माल चलेगा। को एक पेपर ट्रेडिंग में ये भी समस्या है कि जो पिक सीजन आता है उसमें पेपर की शॉर्टेज आ जाती है, मिल सफिशिएंट नहीं है देने के लिए, तो अब उसमें क्या है जो वैल्यूएट या तो गैप आ जाता है, डिमांड सप्लाई में गैप आ जाता है और फिर गैप आने से ऑर्डर का छूटना का डर रहता है। तो एक वो जो कमाने का टाइम होता है उसमें पेपर ट्रेडर्स जो है मटेरियल देखता रह जाता है। नहीं देखिए, कमाई का साधन जो होता है वो सबका फिक्स है, अपने हिसाब से जो भी कस्टमर्स हैं वो लोग करते हैं। लेकिन ये बात ठीक है आपका कि एक समय आता है कि जब टेंडर्स जो होते हैं वो टेंडर के अंदर मिलें चली जाती हैं, उनकी कैपेसिटी कम होती जाती है। छोटी मिलों का ज़्यादातर होता है, बड़ी मिलों से कोई मतलब, बड़ी मिलें जो वुड बेस है उनको इतना असर नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ थोड़ा सा तो फर्क पड़ता ही है उस टाइम में, लेकिन कोई विशेष रूप से यहाँ पर कोई शॉर्टेज नहीं है और व्यापारी को बहुत ही थिन मार्जिन मिलता है और क्रेडिट के ऊपर माल बेचना है। क्रेडिट का अगर जब तक, जैसे आपने कहा था कि बैड डेट्स होते हैं उसके ऊपर बहुत बड़ा एक अंकुश है और हमारा एसोसिएशन जो फेडरेशन ऑफ पेपर ट्रेडर्स एसोसिएशन है इसके ऊपर पूरा जागरूक है और देख रहे हैं कि कोई ना कोई समाधान निकले। अभी हमारी एक मीटिंग कोयम्बटूर में है, वहाँ पर हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसके बारे में और देखते हैं कि क्या होगा। GST स्ट्रक्चर में डिफरेंट ग्रेड ऑफ पेपर्स पे डिफरेंट काइंड ऑफ GST के वो स्ट्रक्चर्स हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या किस तरह से बेस्ट स्ट्रक्चर पेपर पर लगाना चाहिए GST स्ट्रक्चर? हमने अभी SOCHM और FICCI के माध्यम से ये प्रश्न उठाया है कि एक चैप्टर के ऊपर एक टैक्स होना चाहिए, 1 chapter 1 tax। इट मीन्स दैट द चैप्टर इज से 48 और पेपर चैप्टर इज 48, द टैक्स शुड बी 12%। इफ एनी वैल्यूएशन बाई वे ऑफ प्रिंटिंग और कटिंग और वट एवर द मेथड द वैल्यूएशन इज मेड दैन इट शुड दे विल गेट द वैल्यूएशन टैक्स, दे विल गेट द मोर टैक्स फ्रॉम दिस। अभी रिसेंटली पेपर ट्रेडर्स को MSME नेटवर्क से गवर्नमेंट ने निकाल दिया है, तो अभी कोई स्टैंड है मतलब एसोसिएशन का कि गवर्नमेंट में अपने को फिर से रिप्रेजेंट करने के लिए? या वी हैव रिटन टू द MSME मिनिस्ट्री फॉर इंक्लूडिंग एंड कैंसलिंग दैट ऑर्डर
because it is not called for. We are also traders, family business traditions is there, and they are just like startup and everything is there. You cannot ignore them. They are SMEs and they should be categorized as MSME, SME or and similar organizations. सर अभी रिसेंटली ऐसे कि इप्मा और आपका जो चल रहा था कि कोटेड पेपर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाए लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो उसको पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे वो कब रिजेक्ट हुई है और क्या लग रहा है आप ही आने वाले सालों में कि दोबारा से गवर्नमेंट कंसिडर करेगी या नहीं करेगी बिल्कुल भी नहीं मैं ये तो डिसीजन हो चुका है केबी के इस पर ड्यूटी नहीं लगेगी क्योंकि कोटेड पेपर के ऊपर यहाँ पर शॉर्टेज वैसे ही है और बाहर से माल आता ही है उसको अगर यहाँ पर कैपेसिटी बढ़ेगी तो गवर्नमेंट सोच सकती है अगर यहाँ पर कैपेसिटी नहीं है तो क्या गवर्नमेंट करेगी ये तो एक रॉन्ग स्टैंड था बड़े पेपर मिल्स का